कई बार हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव की बात कर लेते हैं और ये सब बातें हैं। कई बार लोग अपनी परिस्थितियों में काश मैं बदल सकता, काश जीवन बदल सकता, काश ये फेज लाइफ का चेंज हो सकता, काश मेरी परिस्थितियां बदल सकती, काश ये हो जाता। लेकिन जीवन में एक चीज है जिसको बोलते हैं डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए बेकरार हो जाते हैं। देखिए, एक होती है प्रार्थना जो आम प्रार्थना होती है, मतलब आदमी बैठता है प्रभु के चरणों में और दो बातें बोल के उठ जाता, उसको लगता उसने अपनी धार्मिक रीति को पूरा किया, जो उसका काम था उसको पूरा किया। एक प्रार्थना होती है बेकरारी की प्रार्थना, डेस्परेशन की प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना जैसे एक डूबता हुआ जो कुछ भी उसके वेट को ले सके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब आदमी बेकरार होता है तब सिर्फ वो जो चाहता है वो खाली बातें नहीं रहती। एक डेस्परेशन जब लाइफ में होती है, आदमी किसी चीज को ऐसे चाहता है कि वो किसी भी कॉस्ट पे उसको पाने के लिए तैयार है, किसी भी कॉस्ट पे। अब वो चेंज चाहता है, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में कुछ प्रकट हो गया है और वो सही व्यक्ति के पास आया है। जब आदमी को आभास होता है, जब आदमी को अपना गिल्ट दिखता है, जब आदमी को अपना पाप क्लियरली दिखता है, आदमी की आंखों के सामने नरक का वो दर्शन आ जाता है, जब आदमी को ये महसूस होता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उसी के साथ पवित्र आत्मा ये रेवलेशन भी देता है कि यीशु ही तुमको बचा सकता है। परमेश्वर का आत्मा जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है, वहाँ दो बातें एक साथ होती है। एक तरफ उसको अपने अभागेपन का एहसास होता है, उसको एहसास होता है कि वो अपने आप में अभागा है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता, उसकी दूषित परिस्थिति में वो डूब जाएगा, वो मर रहा है, वो परमेश्वर से अलग है। दूसरी तरफ से पवित्र आत्मा उस पर यीशु प्रकट करता है। तो जहां एक तरफ उसका मन मुड़ता है उस दशा से जिस दशा में, दूसरी तरफ उसका भार, उसका विश्वास यीशु की तरफ बढ़ने लगता है। सोचो, ये चार लोग अपने दोस्त को जब लेके आए हैं, ये कन्विंस्ड हैं, इनके माइंड में कोई डाउट नहीं है कि वहां जो अंदर है वो ही चंगा कर सकता है। और उन दिनों जो घर होते थे वो सिंगल स्टोरी घर होते थे, जैसे छत भी डेक की तरह यूज की जाती। अब यहाँ तीनों अगर कहानी में पढ़ोगे तो लगेगा, सुनो उसमें लिखा कि टाइल्स उठा के, मतलब किसी रूप से वो मिट्टी की या सेरामिक की किसी पत्थर की कुछ टाइल्स रखी हुई थी। ये बोलते नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं चलेगा, आज लौट के जाने की बात नहीं है, आज हम परिस्थितियों के अधीन नहीं है, आज कोई भी रुकावट के अधीन नहीं है, आज यीशु के पास लेके आना। और अब मैं चाहता हूँ सीन पे हम लोग आए, यीशु प्रचार कर रहे हैं, यीशु वहां अंदर प्रचार कर रहा, इतनी भीड़ है पांव रखने की जगह नहीं। अब सोच के देखो, ऐसा भी नहीं कि पांव रखने की जगह नहीं है, अगर कोई लकवे का पेशेंट है तो लोग उसको अंदर जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि सबको चाहिए उस समय यीशु की बातें सुनना, वहां अंदर चंगा करने का सामर्थ्य मौजूद है। लेकिन इसके दोस्त इसको छत पे लेके जाते और ये छत को तोड़ते हैं, और ये जैसे बेड पे था अब बेड नीचे आ रहा है। यीशु अंदर वचन का प्रचार कर रहे थे और चंगा करने का सामर्थ्य वहां मौजूद था, इस आदमी को नीचे लाया जाता है और यीशु उसकी आत्मिक अवस्था को जानते हैं। हमारे जीवन में बहुत से बंधन, बहुत से बीमारियां पाप के कारण आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बीमार देखे बोले तुम पापी हो, नहीं, लेकिन प्रभु यीशु उसकी अवस्था को जानते थे। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चंगा करता हूँ, उठ जाओ। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे पाप माफ हुए। और पाप की क्षमा कैसे किसी के जीवन को बदल देती है, ये वही जानता है जिसको क्षमा मिली। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से कटे हैं और उस बोझ में चल रहे हैं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर कोई यीशु के पास आए तो यीशु के पास सामर्थ्य है पाप की क्षमा करने का। आमीन। प्रभु यीशु ये नहीं कहते उठो, न बेड उठाओ, निकल लो। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे पाप माफ हुए। आते तो हम लोग हमेशा हैं, लेकिन कई बार सिर्फ आते हैं भीड़ देख के, परिस्थिति देख के, मन की अवस्था देख के, अपने लाइफ की कंडीशन देख के हम मुड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब कोई डेस्परेट हो जाता है वो ऐसे आता है कि प्रभु भी देख के बोलते हैं, हम इस प्रकार के फेथ को ऑनर करते हैं।